तो दोस्तों आज मैं लेकर के हूँ कैसी नेचुरल होम रेमेडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसे लगाओगे आपके हाथ पर बहुत ही काले हैं तो बहुत ही व्हाइट कलर हो जाए। तो दोस्तों ये होम रेमेडी आपको लगाना पड़ेगा, आपके हाथ बहुत ही गोरे दिखने लगेंगे। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको एक शैम्पू लेना पड़ेगा जो 1 ही रुपये में पाउच मिलता है। तो दोस्तों जो आप अपने बालों में यूज करते हैं शैम्पू, उस शैम्पू का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का शैम्पू हो जो आप अपने लगाते हैं, हेयर वॉश करते हैं, वो इस शैम्पू का यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक पाउच लिया है, एक यह जो सारा का सारा इसी में शैम्पू हमको निकाल देना है। तो देखिएगा फ्रेंड इसी प्रकार से आपको भी निकाल देना है। तो फ्रेंड उसके बाद में आपको लेना पड़ेगा नारियल ऑयल। तो देखिएगा फ्रेंड यहाँ पे नारियल तेल आपको लेना पड़ेगा। जो नारियल तेल है आपके हाथ पैर को अच्छे से मॉइस्चराइजर काम करता है, आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और सुंदर दिखने लगेगी। आपको इसमें कोकोनट ऑयल जरूर मिलाना पड़ेगा। तो फ्रेंड अगर नहीं है घर में कोकोनट ऑयल तो आप किसी भी ऑयल का यहाँ पे यूज कर सकती हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लेना पड़ेगा। तो देखिएगा फ्रेंड यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीबन मैंने नारियल तेल लिया है, फिर इसी में आपको डाल देना है। तो दोस्तों उसके बाद में आपको कोलगेट लेना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको कोलगेट ही लेना पड़ेगा जो व्हाइट कलर वाला होता है। तो दोस्तों यहाँ पे कोलगेट लेना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन अच्छे से ग्लो कर सके, आपकी स्किन पे कहीं भी दाग धब्बे हैं वो भी हटा सके। तो दोस्तों यहाँ पे 1 चम्मच के करीबन आपको कोलगेट लेना पड़ेगा। तो देखिएगा फ्रेंड यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीबन कोलगेट लिया हुआ है, इतना ही आपको भी लेना है। फ्रेंड फिर आपको अच्छे से इसको पेस्ट बना लेना है। तो देखिएगा फ्रेंड यहाँ पे मैं मिला रही हूँ, इसी प्रकार से आपको मिला लेना, इसकी अच्छे से क्रीम तना बना लेना है आपको। तो देखिएगा फ्रेंड इस प्रकार से आपको क्रीम की तरह बना लेना है, अच्छे से रेमेडी बना लेना है इस क्रीम की तरह। फिर इसके लगाने से आपको क्या करना पड़ेगा, तो फ्रेंड ये आप अपने फेस पे नहीं लगा सकती, ये सिर्फ अपने हाथ और पैर में लगा सकती हैं। तो दोस्तों इसे हाथ पैरों में लगाने के लिए बताया हुआ है। तो दोस्तों उसके बाद में फिर अपने हाथों को पैरों को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद में फिर अपने हाथ पैरों में इस प्रकार से लगा लेना है। तो देखिएगा फ्रेंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, इसी प्रकार से आपको भी लगा लेना। फिर इस प्रकार से लगा लेने के बाद में फ्रेंड फिर आपको आधा कटा हुआ नींबू लेना पड़ेगा। फिर अपने पूरे हाथ पैर पर इस प्रकार से मसाज करना पड़ेगा नींबू की हेल्प से, ताकि आपके जो भी हाथ पैर में इस तरह आपका मैल जमा हुआ है जो निकल नहीं रहा है, इसे करने से, मसाज करने से आपका वो धूल मिट्टी गंदगी निकल जाए अच्छे से। तो दोस्तों इसी प्रकार से मसाज कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर आपको यहाँ पे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट हो जाने के बाद में फ्रेंड फिर नॉर्मल पानी से अपने हाथ पैरों को धो लेना। धोने के बाद में देखेंगे एक ही बार में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, 100% मैं वादा करती हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से लगाना है तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।